प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए आज हम हमारे भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में जानते हैं। ब्रह्मगुप्त जिनका जन्म 598 ईस्वी में और मृत्यु 668 ईस्वी में हुई थी, भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। आर्यभट्ट के बाद भारत के पहले गणित शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम थे, उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री भी थे और अपने शून्य के उपयोग के नियम के खोजक भी थे। इसके बाद अंकगणित बीजगणित के विषय में लिखने वाले कई गणित शास्त्री हुए। प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री भास्कराचार्य ने इनको गणक चक्र या चूड़ामणि कहा है और इनके मूलकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार बनाया। इनके ग्रंथों में सर्व प्रसिद्ध ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक प्रसिद्ध हैं। इनका कई भाषाओं में, जो हमारे भारतीय राजा थे या शासक थे, उन्होंने भी अनुवाद कराया है। तो इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना और हम ये जानेंगे कि इनका जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में हुआ था और ये इनके जो मूल लेख हैं वो हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी दिया गया है। ब्रह्म शून्य से भाग करने के का नियम सही नहीं दे पाए, 0/0 यानी, और इन्होंने इसको एक अपरिभाषित संख्या के रूप में परिभाषित किया। बीजगणित के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। तो बीजगणित में उनका इस प्रकार से, उन्होंने जो हमारे गणित की सभी शाखाएं, उन सभी शाखाओं में उन्होंने योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग स्थानांतरित करने का भी यत्न किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि भी ज्ञात की और आधुनिक मान के बिल्कुल सन्निकट है। ब्रह्मगुप्त पाई या वर्गमूल का मान निकालने की भी कोशिश की। ब्रह्मगुप्त अनार्यभट्ट विद्युत विभिन्न सिद्धांतों से परिचित थे। ब्रह्मगुप्त के सूत्र हैं, जैसे उन्होंने चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। तो उनका सूत्र था पी जमा में आर बटे में दो ब्रैकेट क्यू प्लस आर बटे में दो, और इसके लिए उन्होंने वर्गमूल टी माइनस पी, टी माइनस क्यू, टी माइनस आर और टी माइनस एस, जो टी है वह उसका अर्थ परिमाप है और जो पी क्यू आर एस हैं वो उसकी सभी सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो हैरन सूत्र है उसका भी प्रकलन किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, उनके बारे में जाना। आशा करता हूँ आपने अच्छे से उनके जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में विस्तार से, हमने क्लासरूम में ही पढ़ लिया है, एक बार आपने सुना और एक बार पुनः आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी पढ़ें और ध्यान से, यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछें। धन्यवाद।